आगर मालवा से भाजपा प्रत्याशी मनोज बंटी उटवाल ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान उनके साथ देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी व भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी मनोज बंटी उटवाल ने इस अवसर पर आगर विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील की कि सत्य न्याय और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। पिछले 15 वर्षों से भाजपा विकास करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके क्या विजन है? आगर विधानसभा के लिए हमारा युवाओं के लिए रोजगार सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके बाद हम शिक्षा के क्षेत्र में इस आगर विधानसभा को आगे लेकर जाने वाले हैं। ऐसे कोई क्षेत्र नहीं रहेगा, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हम 17 प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ लेकर आने वाले हैं। अधिकतर जितना संभव होगा हम विकास यहाँ करेंगे। आगर में फोर लेन की मांग काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं और कई युवा लोग इसके अंदर आ समय मृत्यु का ग्रास्त बन चुके हैं। क्या आप इसको प्राथमिकता देंगे कि अभी तक सिर्फ राजनीतिक वादे हुए हैं लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ है? राजनीतिक वादे नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसको 504 करोड़ का मेगा हाईवे स्वीकृत कर दिया है, जिसका काम दिसंबर में चालू हो जाएगा। उसका स्वीकृति भी आ चुकी है और बहुत जल्दी से काम चालू होने वाला है, कोई वादा नहीं है। क्षेत्रीय की जनता चाहती है मेगा हाईवे नहीं, फोर लेन की मांग कर रही है। फोर लेन हाईवे के बाद में आवश्यकता पड़ने पर इसको फोर लेन में भी कन्वर्ट किया जाएगा। हम उसके लिए भी लगे हुए हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिस कारण से ये फोर लेन में अभी नहीं आ पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको फोर लेन में जरूर कन्वर्ट करेंगे। अगर आप भाजपा से विजय होकर जाते हैं तो आप इसकी आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं, सरकार हमारी, हम लोग लेकर आएंगे।